हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज बहुत दिनों बाद एक कौन सा ब्लॉग आने वाला है, एक ट्रैवल ब्लॉग आने वाला है। तो हम ऋषिकेश जा रहे हैं टू अटेंड अ मैरिज। उससे पहले हम हरिद्वार में एक स्टॉप ओवर लेंगे और फिर ऋषिकेश जाएंगे। सो इट्स गोना बी अ फन ट्रिप, आई टेक यू अलॉन्ग। चलिए अब चलते हैं, देखते हैं कि आज मेरे पास आपके लिए क्या है। और अभी मीनवाइल मैं अतीश को क्या खिला रही हूँ, दाल चावल और उसमें थोड़ी सी बॉइल्ड वेजिटेबल्स मैंने डाली। और हम 1 आवर में निकलने वाले हैं, अभी आई थिंक 9:30 हो रहे हैं, तो हम बस थोड़ी देर में निकलेंगे। ठीक है, ये रहा अतीश। जी हेलो, हेलो पीटू, अतीश उसको खाना देख रहा है। देखो क्या हो रहा है, इतना हो रहा है, थाना थाने थाना थाना ताई ताई कर ले। ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बेटू बूम आ आ आ। टचवुड अतीश इज नॉट अ फसी ईटर, बट कभी कभी वो बहुत नौटंकी करता है, तो मुझे ऐसी कुछ हरकतें करनी पड़ती हैं टू एंटरटेन हिम और वो अच्छे से खाना खा ले। अब जल्दी से आई एम गोना फीड हिम और फिर आई गेट हिम ऑल सेट फॉर द ट्रिप। हेलो, आई एम रेडी, आई एम रेडी। हेलो, अब सामान सारा लोड हो गया है एंड वी आर ऑल रेडी टू गो। अराउंड 5 आवर्स लगने वाले हैं हरिद्वार पहुंचने में। अतीश के लिए थोड़ा सा हेक्टिक हो सकता है, लेट्स सी। वैसे तो हम अच्छे से खा पी कर निकले थे, बट रोड ट्रिप पर निकले हो और बीच में रुककर कुछ खाया नहीं तो क्या रोड ट्रिप की। किसी को एज सच भूख तो नहीं लगी थी, तो ऐसे में बस चाय एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए सबके पेट में जगह हो जाती है। इस चाय के ठेले के चाय के रेट्स तो ठेले जैसे बिल्कुल भी नहीं थे। सो आगे का प्लान ये है कि वी विल स्पेंड सम गुड क्वालिटी टाइम विथ फैमिली इन हरिद्वार एंड फिर 2 दिन के बाद वी विल लीव फॉर मैरिज। आई रियली मिस दिस ग्रीनरी इन दिल्ली, प्लांट्स ये सब देखने को इतना कम मिलता है वहाँ पर। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि ज़मीन वाले घर नहीं हैं, हम फ्लैट्स में रहते हैं ना। आई समटाइम्स मिस ज़मीन के घर, आई थिंक फ्लैट्स की जो लाइफ है वो थोड़ी सी बोरिंग हो जाती है। तो कल हमने कुछ खास नहीं किया पहुंचने के बाद, हम भी थक गए थे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अतीश वांट सम रेस्ट, थोड़ा सा उसके लिए हेक्टिक हो गया था। तो यहाँ आकर आई रियली मिस माय होम टाउन। हरिद्वार इज़ आल्सो अ स्मॉल सिटी जस्ट लाइक उज्जैन। हरिद्वार इज़ फेमस फॉर इट्स मंदिर, उज्जैन इज़ आल्सो फेमस फॉर मंदिर। आई लव मॉर्निंग, सो डू दिस लिटिल बॉय। सुबह 6-7 बजे उठकर ये मुझे उठाता है चाटे मार मार के, और फिर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसे थोड़ी देर बाहर ले जाऊँ टू मेक हिम बिकम मोर कम्फर्टेबल विद द आउटर वर्ल्ड। हमेशा घर में घुसे रहना मैं नहीं चाहती वो ऐसा बन जाए। तो पैंडमिक के बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है कि उन्हें थोड़ा बहुत बाहर लेके जाएं। व्हाट डू यू थिंक? तो आज हम निकल पड़े हैं ऋषिकेश के लिए एंड इट विल टेक अस अराउंड एन आवर। हरिद्वार से ऋषिकेश का रूट बहुत ही सुंदर है, आई रियली लाइक इट। मतलब इतने सुंदर पहाड़ देखने को मिल रहे हैं, वादियाँ देखने को मिल रही है।
तो मैं तो पहाड़ देखकर ही बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ. इट फील्स लाइक वी आर ऑन वेकेशन. तो वहाँ पहुँचते से ही सबसे पहले हमने पेट पूजा की. नाउ लुक एट दिस ब्यूटिफुल व्यू. और ये शैतानी कर रहा है अतीक्ष सब लोगों से मिलने के बाद. और ये अतीक्ष के पापा. ये हमारा इतना सारा सामान, पूरा रूम सामान से भरा हुआ. थ्री टू वन. आई 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 हाय एवरीवन. तो अभी हमने चेक इन करा है होटल में और अतीश मुझे घूर रहा है, देख रहा है मम्मी क्या कर रही है कैमरे के सामने. एनीवेज तो दो दिन हम हरिद्वार में थे, वहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं किया, फैमिली टाइम था. तो बस फैमिली के साथ वी स्पेंड अ गुड टाइम. बहुत टाइम बाद ऐसे थोड़ा आउटिंग हुई है. अभी ऋषिकेश में है, इवनिंग में डांस है, मतलब संगीत है, और फिर कल शादी है, मुझे भी डांस करना है. तो मैंने हे शुभारम काय पोचे के गाने पे डांस की मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ. होपफुली मैं अच्छा कर पाऊँ. ओके, अभी मुझे हेयर स्ट्रेट करना है, जल्दी जल्दी तैयार होना है और फिर भागना है. लाइफ बेबी के बाद कितनी चेंज होता हो जाती है आप देख सकते हो. पहले मैं घंटों तक तैयार होती रहती थी, मैचिंग ढूंढती रहती थी, बट अब क्या होता है, अब बस जो दिख रहा है वो पहनो, मुंह पे पोतो और बच्चे को रेडी करके भागो, क्योंकि हमेशा हर इवेंट के लिए आप लेट होने वाले हो. हेयर कर्ल करने का सोचा था, वो भी नहीं कर पाई. एंड नाउ वी आर रेडी. अतीश की ये आउटफिट मैंने ट्विन किया है अपने आउटफिट के साथ. मेरा सूट तो डिसाइडेड था और ऐसा मैंने सोचा नहीं था कि मैं अतीश का भी मैचिंग सूट शेरवानी लूँगी, बट लकीली मुझे मिल गया. एंड लुक हाउ एडोरेबल ही इज लुकिंग. तो अभी मैं अतीक्ष को खाना खिला रही हूँ और वो मुझे घूर रहा है एज यूजुअल. सो इट्स आवर लास्ट डे. कल हम निकल जाएंगे और आज शादी है. कल डांस किया, बहुत गंदा डांस किया, सारा डांस भूल गई मैं. और अभी अतीक्ष अतीक्ष फीडिंग. तो वैसे तो आई यूजली अवॉइड पैक्ड फूड फॉर हिम, बट ऐसे ओकेजन पर जहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं बचता है होममेड फूड का, तो मैं उसे सेरेलेक देती हूँ एंड ही लव्स इट. हेलो, से हेलो. हेलो, माय नेम इज अतीक्ष. माय नेम इज अतीक्ष. आई जस्ट हैड माय फूड. कैमरा देख के मैं हो जाता हूँ नॉटी. नाउ दिस वॉज माई लुक फॉर द वेडिंग डे, जिस पर एक थासों सी वीडियो मैंने बनाई है, वो आने वाली है. लुक का जो ब्रेकडाउन है मैं वो उसी वीडियो में आपको दूंगी. इसी वजह से फेरे एंड ऑल अच्छे से मैं अटेंड नहीं कर पाई. अतीश इतने सारे लोगों के साथ थोड़ा सा क्रैंकी हो गया था, थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा था,
तो बेसिकली बस हम रेडी हुए, खाना खाया और फिर से रूम में चले गए उसे सुलाने के लिए। लेकिन इवनिंग में वी मेक श्योर कि हम थोड़ा बाहर जाएं, तो हम गए गंगा घाट पर अपने पाप धोने के लिए। वैसे तो गंगा नहाए नहीं क्योंकि थोड़ा ठंडा पानी था एंड अतीज का भी हमें ध्यान रखना था साथ में, तो बस अपने ऊपर थोड़ा बहुत जल छिड़क लिया शुद्धि करने के लिए। हाई, आई एम एंडिंग माई व्लॉग हियर। अब हम वापस जा रहे हैं दिल्ली, इट विल टेक अराउंड 6 आवर्स। अतीज ऐसे सो रहा है यहाँ पे क्योंकि एंड दिस इज़ इट अबाउट द व्लॉग। आई वॉज लिटल अनश्योर अबाउट अपलोडिंग दिस व्लॉग क्योंकि बेबी के साथ थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है शूट करना, बट मैंने फिर भी ट्राई करा, मैं थोड़े बहुत क्लिप्स लेती रहूँ एंड आई नो यू गाइज विल अंडरस्टैंड माई कंडीशन। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवेंट ऑलरेडी। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी ही मिलते हैं, टिल देन बाय बाय।